वैसे तो आंखों को दान करना इस दुनिया में सबसे नेक काम माना जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक गांव में रानी नाम की लड़की अपनी माँ तुलसी और पिता राधे के साथ रहती थी। एक रात गांव में जोरों से बारिश हो रही थी। इस बीच रानी को बहुत तेज बुखार आया। ये देख कर तुलसी और राधे बहुत परेशान हो गए। तुलसी राधे से बोलती है, अजी आप कुछ करिए, रानी का बुखार तो उतर ही नहीं रहा, घर में जो भी दवाई थी सब दे दी। तुम चिंता मत करो तुलसी, मैं अभी गांव वाले डॉक्टर को लेकर आता हूँ, बस मैं यूं गया और यूं आया। ऐसा कहकर राधे डॉक्टर को लेने चला जाता है। उधर रानी बुखार की वजह से तड़पने लगती है। माँ मुझे बहुत तेज शरीर पे दर्द हो रहा है और मेरा सर भी फटा जा रहा है, कुछ करो माँ। रानी की बात सुनकर तुलसी बोलती है, तू चिंता मत कर बेटी, तेरे पिताजी गए हैं डॉक्टर को लेने, बस वो आते ही होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद राधे वापस आ जाता है, उसके साथ कोई डॉक्टर नहीं होता। ये देख तुलसी गुस्से में आ जाती है और राधे को डांटते हुए बोलती है, तुमसे कोई काम नहीं होता, डॉक्टर भी ना ला पाए, कहाँ थे अब तक। ये सुन राधे बोलता है, मैं गया था तुलसी डॉक्टर के पास, लेकिन वो गांव में नहीं है और बारिश इतनी तेज है कि अभी हम गांव से बाहर भी नहीं निकल सकते। लेकिन अब हम क्या करेंगे, रानी की हालत तो खराब होती जा रही है। तभी रानी जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। राधे और तुलसी हैरान परेशान खड़े रह जाते हैं। अगली सुबह बारिश कम होती है और उनका पड़ोसी गोवर्धन एक डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर रानी को चेक करने के बाद, इसे तो दिमागी बुखार हुआ है, मैं इसके लिए कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, आप मंगा कर इन्हें खिला दो। तभी रानी को होश आ जाता है और वो बोलती है, माँ माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। डॉक्टर फिर से रानी को चेक करता है और बोलता है, लगता है बुखार की वजह से इनकी आँखों की रोशनी चली गई है, अब ये कभी देख नहीं पाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर सब तुलसी और राधे रोने लग जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमारे एक ही बच्चा है, कुछ करिए इसका, इसकी आंखें ठीक करिए, कोई रास्ता निकालिए। मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन अब इसकी आंखें ठीक नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई आदमी अपनी आंखें दान कर दे तो हम उसको बदल सकते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कई दिन निकल जाते हैं। आंखें न होने के कारण रानी दुखी रहने लगती है और एक दिन वो राधे से बोलती है, पिताजी मैं इस तरह से नहीं जी सकती, इससे अच्छा होता कि आप मुझे मरने देते, ऐसे अंधे रहने से मेरा मर जाना अच्छा है। रानी की बात सुनकर राधे बोलता है, ऐसा नहीं बोलते बेटी, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि आंखें बदलने से तू देख सकेगी, तू चिंता मत कर। ऐसा कहकर राधे वहाँ से निकल जाता है और अपने पड़ोसी गोवर्धन के पास जाता है। राधे को देख गोवर्धन बोलता है, क्या हुआ राधे भैया, परेशान लग रहे हो, क्या समस्या है। गोवर्धन के पूछने पर राधे उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर गोवर्धन बोलता है, राधे भैया अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कहता हूँ एक तांत्रिक है मेरे पास, हम दोनों उसके पास चलते हैं, वो जरूर इस बारे में हमारी मदद करेगा। क्या बात कर रहे हो गोवर्धन, भला तांत्रिक हमारी मदद कैसे करेगा, ये सब अंधविश्वास है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ऐसा कहकर राधे वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को अपने और गोवर्धन के बीच हुई सारी बात बता देता है, लेकिन तुलसी कुछ नहीं कहती। अगली सुबह वो गोवर्धन के पास जाती है। अरे गोवर्धन भैया मुझे ले चलो उस तांत्रिक बाबा के पास, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूँगी। तुलसी की बात सुनकर गोवर्धन बोलता है, लेकिन भाभी अगर राधे भैया को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा गोवर्धन भैया, ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी, आप बस ले चलो मुझे। फिर तुलसी की जिद के आगे गोवर्धन की कुछ नहीं चलती और वो तुलसी को लेकर बाबा के पास चला जाता है। बाबा तुलसी को देखकर कहता है, आओ बेटी तुलसी आओ, मुझे पता था तुम यहाँ आओगी। बाबा के मुंह से अपना नाम सुनकर तुलसी हैरान रह जाती है और बोलती है, अरे बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, मेरी समस्या का कुछ कीजिए। तुलसी की बात सुनकर बाबा हंसते हुए एक डिब्बा निकालता है और तुलसी को देता है और उसे खोलने के लिए बोलता है। तुलसी डिब्बे को खोलती है और हैरान रह जाती है, पापा
इसमें तो किसी की आंखें हैं। बाबा आप धन्य हैं, आपने मेरी सारी समस्या को दूर कर दिया। जाओ तुलसी जाओ, इन आँखों को रानी बेटी को दे दो, वो फिर से दुनिया देख सकेगी। तुलसी खुशी खुशी आंखें लेकर घर पहुंचती है, लेकिन राधे किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता है। तुलसी वो आंखें लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर भी रानी को आंखें लगा देता है। माँ माँ मुझे सब दिख रहा है, मेरी आंखें वापस आ गई माँ। फिर तुलसी मन ही मन बहुत खुश होती है और बाबा को धन्यवाद करती है। लेकिन उसी रात जब तुलसी और रानी सो रहे होते हैं, रानी एकदम से उठ जाती है, उसकी आंखों से खून बह रहा होता है। रानी अपने कमरे से निकलती है और गांव में चली जाती है। अगली सुबह गांव वालों को किसी आदमी की लाश मिलती है। अरे बाप रे, इस पंकज को किसने मारा, वो भी जानवरों की तरह, और देखो इसकी तो आंखें भी गायब हैं। फिर गांव वाले पंकज की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी रात रानी फिर उठती है, उसकी आंखों से खून टपकने लगता है और फर्श पर गिर जाता है। रानी घर के बाहर जाकर बैठ जाती है, लेकिन इस बार तुलसी भी उठ जाती है और वो गिरे हुए खून का पीछा करने लगती है। तभी तुलसी को रानी दिखाई देती है और वो रानी को आवाज लगाती है, लेकिन रानी उसकी तरफ पीट करके ही खड़ी रहती है। तुलसी रानी के पास जाती है और बोलती है, रानी क्या हुआ बेटी, यहाँ क्यों खड़ी है? तुलसी की बात सुनकर रानी की गर्दन तुलसी की तरफ घूम जाती है। रानी का चेहरा बहुत भयानक होता है, उसकी आंखों से खून टपक रहा होता है। ये सब देखकर तुलसी डर की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो राधे उसके पास होता है। राधे के पूछने पर तुलसी रोते रोते उसे रात और उसके जाने के बाद हुई सारी घटना बताती है। मेरी बेटी को बचा लो राधे, मेरी वजह से वो ना जाने किस मुसीबत में पड़ गई है, बचा लो उसे। फिर राधे गांव वालों और तुलसी को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचता है। वहां उसका पड़ोसी गोवर्धन पहले से ही मौजूद होता है। रानी को उन दोनों ने एक पेड़ से बांध कर रखा होता है। गांव वालों को देखकर तांत्रिक बोलता है, गांव वालों यहां से चले जाओ, इस लड़की की बलि के बाद मैं और मेरा बेटा गोवर्धन दोनों अमर हो जाएंगे। दुष्ट तांत्रिक, इस दुनिया में जो भी आता है उसे मरना ही होता है, तू भी मरेगा, छोड़ दे मेरी बच्ची को। तेरी बच्ची को मैं नहीं छोड़ सकता, आज ये मरेगी और मुझे अमर करेगी। तांत्रिक की बात सुनकर राधे गुस्से में एक चाकू उठाता है और गोवर्धन के गले में लगाकर बोलता है, दुष्ट, अगर तूने मेरी बेटी को नहीं छोड़ा तो मैं इस गोवर्धन की जान ले लूंगा, समझा? छोड़ रानी को, मैं कहता हूँ छोड़ रानी को। गोवर्धन की जान खतरे में देखकर तांत्रिक रानी को छोड़ देता है, लेकिन तब तक गांव वाले उन दोनों के ऊपर लाठी डंडों से टूट पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में दोनों को मार डालते हैं। तांत्रिक के मरते ही रानी के ऊपर हुआ जादू भी खत्म हो जाता है।